नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ज़्यादा लाइन होने के कारण ये पावर सप्लाई ख़राब हो गए हैं, ये वाला पावर सप्लाई ख़राब हो चुके हैं। और हमारे पास जो नया पावर सप्लाई है उसे इंस्टॉल करने पर भी टीवी चालू नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये पहले 12 वोल्ट का PVC का हम चेक कर लेते हैं। ये 12 वोल्ट ठीक है, 12 वोल्ट पावर सप्लाई में बन रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे मदरबोर्ड में लगाकर देखते हैं कि दिक्कत क्या है। देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है। तो दो प्रकार से हम इसे मदरबोर्ड को चेक करते हैं, एक हॉट टेस्टिंग, एक कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग लाइन में लगाकर और कूल टेस्टिंग लाइन से बाहर कर बीप की रेंज पर रखकर। पहले इसे बीप की रेंज पर रखकर इसकी शॉर्टिंग दूर करेंगे। यहीं इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो शॉर्ट है। तो सबसे फर्स्ट ग्राउंड 12 वोल्ट जहाँ से आते हैं वहीं देख लेते हैं। आप बीप की आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये बॉडी अर्थिंग हो चुका है। ये 12 वोल्ट जो है वो कहीं से अर्थिंग हो चुका है। आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट जो कंडेंसर है उसमें भी शॉर्टिंग बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग है, बीप की आवाज सुन पा रहे हैं। अब इसमें क्या शॉर्ट है उसे उस कंपोनेंट को निकालेंगे दोस्तों। इसे कूल टेस्टिंग कहते हैं। पहले सर्किट को बना लेते हैं, उसके बाद लाइन पर लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो 25 में 470 का कंडेंसर है उसे, ये वाला उसे ओपन कर देखते हैं कि वही शॉर्ट तो नहीं है। लाइन से सीरियल बाय सीरियल कंपोनेंट को निकालिए, फिर देखते हैं उसका नहीं है और कुछ शॉर्ट है। एक कैपेसिटर ये वाला भी है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसे भी हम ओपन कर लिए। अब देखते हैं शॉर्टिंग अब भी है। जो 12 वोल्ट का ट्रैक है उसमें आगे बढ़ते हैं तो एक पेपर कंडेंसर लगा हुआ है, ये छोटा वाला, और उसके बाद ये IC। देखते हैं दोस्तों यहाँ शॉर्टिंग है कि नहीं। ये 5 वोल्ट है, देखिए दोस्तों शॉर्टिंग अब भी है। अब ट्रिप पर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पेपर कंडेंसर है, उसके बाद ये IC है, और यही 12 वोल्ट फिनल के लिए भी यहाँ पर दिए हैं। आपको दिख रहे हैं, थोड़ा जूम कर दिखा दीजिए। यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो IC पर आ रहे हैं, तो हमें इस IC को ओपन कर देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसे ओपन कर। IC को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास हॉट गन है तो हॉट गन से निकालिए, और
आर्टगन नहीं है तो इसमें पेस्ट लगाकर निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैं बतलाता हूँ आसान तरीके से इसे बिना हार्डगन के हम निकाल सकते हैं। 36 नंबर का तार का टुकड़ा लीजिए। देखिए दोस्तों, इसे मैं पूरी तरह से साफ कर चुका हूँ। यहाँ पर आईसी था, उसे निकाल कर हो सके तो हार्डगन का उपयोग करें अच्छे से। अब चलिए शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। बार और ये बॉडी ठीक है और ये ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये ठीक है, पर हम उस आईसी तो हमारे पास नहीं है तो उसके जगह में हम क्या करें, उसके जगह में ये वाला जो मॉड्यूल है, जूम करिए, ये जो मॉड्यूल है वो काम में ला सकते हैं, हम काम में ला सकते हैं और जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आईसी को निकालिए, उसके स्थान को साफ कीजिए और अच्छे से, आपके पास पेट्रोल हो पेट्रोल से, थिनर हो तो थिनर से साफ कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, हमारे पास तो पेट्रोल है, हम पेट्रोल से ही इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये चलिए, ये साफ़ हो चुका है, आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। हम देख पा रहे हैं इसमें इन प्लस और इन माइनस और आउट प्लस दिए हैं, तो जो इन प्लस है उसे प्लस में 12 वोल्ट का और इन माइनस है उसे माइनस में। कंडेंसर पर लगा दीजिए, आसानी होता होगा। हम लोग लगा चुके हैं, ये जो कंडेंसर है उसमें प्लस माइनस दे दीजिए और जो 5 वोल्ट आउट है उसे इस ट्रैक को देखकर यहाँ पर 5 वोल्ट में के ट्रैक में सोल्डिंग कर दीजिए। आराम से देखकर करें, काफ़ी शॉर्ट इसी के साथ है। बंद, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ध्यान रखें कहीं शॉर्टिंग ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखें कि कहीं शॉर्टिंग ना हो। और यहाँ पर यदि आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्ट पर सोल्डिंग कर दीजिए। जैसे मुझे अभी 5 वोल्ट चाहिए, इससे मैं 5 वोल्ट में को साफ कर देता हूँ। चलिए ये हुआ, और आप कर लीजिए, अच्छे मिस्त्री का पहचान है। किट लगाने के बाद देख लीजिए कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये अर्थिंग है और ये फेस प्लस 12 वोल्ट, ये अर्थिंग, ये 12 वोल्ट। अब हमारा
ओके हो चुका है। चलिए अभी इसे फिट कर आपको देख, अब देख पा रहे हैं कि ये छोटा मोटू लगाने पर 5 वोल्ट बन रहे हैं, पर 1.2 वोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहे हैं, इतना ठीक है, काम चलाने के लिए काफ़ी है। 5 वोल्ट आ रहे हैं पर जो 1.2 है वो नहीं आ पा रहा, उसके लिए फिर एक मॉड्यूल लगाएंगे। लगा कर दिखा रहे हैं, चलिए देखिए, देखिए दोस्त चालू हो गए हमारे जो सर्किट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1.5 ठीक है, 1.2 1.5 ठीक है। अब स्टैंड बाई रिलीज कर, पैनल के लिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं और 1.8 देखिए, 1.8 ठीक है। आप पैनल के लिए जो पैनल वोल्टेज है वो भी ठीक है। चलिए अब हमारा जो सर्किट है वो ओके हो चुका है।